जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम खद्र का सुबह से लापता मासूम का शव पड़ोस के कच्चे मकान में कंडों के ढेर में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची। बताया गया कि लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खदरका निवासी संतराम यादव का 11 वर्षीय समेत सुबह घर के बाहर खेल रहा था, तथा पिता खेत पर चला गया और मां मनरेगा में मजदूरी के लिए चली गई। जब वो शाम के समय लौट कर आई तो समेत नहीं मिला, जिसकी काफी खोजबीन की, जिसके बाद 112 पुलिस और लहचूरा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। तभी पड़ोस के ही रहने वाले व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसके कच्चे मकान में बच्चा मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद तगभग मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। घटना कैसे और किसने की अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी। फिलहाल एक हस्ता खेलता मासूम दरिंदगी का शिकार हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीना द्वारा देर रात में थाना लहचूरा क्षेत्र अंतर्गत हुए 10 वर्षीय बालक समेत पुत्र संतराम निवासी ग्राम खंडरका की हत्या से संबंधित घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, तथा घटनास्थल पर मौजूद सभी टीमों को घटना का जल्द से जल्द अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पीड़ित परिवार से वार्ता कर न्याय का भरोसा दिलाया गया, तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ महोदय द्वारा ग्रामवासियों से शांति बनाए रखने हेतु अपील की गई। घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन कर लगाया गया, जो घटना का अनावरण करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएंगी। जगत न्यूज 24 के लिए झांसी से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चूरा थाने में घटना हो गई, सब क्या मामला है? आपको बता दें कि ग्राम खदरका थाना लहचूरा में एक बच्चे का शव पास के ही मकान में मिला है। बच्चे के शव के ऊपर गेहूं अनाज की बोरी डाल दी गई है, शायद शव को छिपाने का प्रयास किया गया है। उसमें सिर में चोट लगने से प्रथम दृष्टया बच्चे की मृत्यु का अर्थ होना परिलक्षित है। इस संबंध में स्वाट टीम, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और एसएसपी सर मौके पर मौजूद थे। सर के द्वारा घटना का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से वार्ता कर 3 टीमों का गठन किया गया, ताकि घटना का सिर अनावरण किया जा सके। इसमें 5 युवकों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है, बाकी शेष विधि कार्रवाई प्रचलित है।